हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में कि जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है, इसकी आलोचना में क्या कहा जाता है, इसका महत्व क्या है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इन समस्त बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो है न्याय की समस्या पर विचार होता चला आ रहा है कि वास्तव में एक न्यायपूर्ण समाज कैसा हो, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे हो। प्लेटो, अरस्तु से लेकर के आधुनिक युग के विचारकों ने जो है वो न्याय को बहुत ही निकटता से परिभाषित करने का प्रयास किया है और एक न्यायपूर्ण समाज कैसा हो इस पर बताने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि सबके सिद्धांतों में कुछ ना कुछ अपूर्णता रही है, कुछ ना कुछ कमियां रही है, जिसके कारण जो है न्याय पर जो है नए सिरे से विचार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर एक न्यायपूर्ण सिद्धांत की स्थापना कोई विचारक कर दे जिसको समाज के सभी वर्ग स्वीकार कर लें, हर देशों को में वो सिद्धांत अगर लागू हो जाए तो फिर नए न्याय के नियम और न्याय के सिद्धांत की खोज करने की तो आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो सब में रहेंगी। तो जब कमियां रहेंगी तो न्याय पर जो है फिर से बहस होना शुरू हो जाएगा और न्याय पर कि न्यायपूर्ण समाज पर कि न्यायपूर्ण समाज कैसा हो इस पर फिर से विचार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही न्यायपूर्ण समाज और न्यायपूर्ण सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास जो है वो 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने किया, जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जॉन रॉल्स फ्रेंड्स ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और एक उदारवादी विचारक थे और अपने समय की जो है वो 20वीं शताब्दी के जो है एक प्रमुख जो है राजनीतिक विचारकों में इनका नाम लिया जाता है। और ये जो है एक उदारवादी विचारक थे। देखिए यहाँ लिखा नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही पूछता है कि जॉन रॉल्स जो है कैसे विचारक थे, एक उदारवादी विचारक थे। और इन्होंने जो है 1971 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसी पुस्तक में उन्होंने न्याय सिद्धांत की विवेचना की। रॉल्स का मानना था फ्रेंड्स कि न्याय की जो समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। अब देखिए यहीं से आप समझना शुरू कर दीजिए, रॉल्स क्या मानते हैं कि न्याय की समस्या क्या है, वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं? रॉल्स कहते हैं कि प्राथमिक वस्तुएं वे चीज होती हैं जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहता है, यानी ऐसी चीज जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने पास अधिक से अधिक रखना चाहता है, उसे रॉल्स ने कहा कि ये प्राथमिक चीजें हैं और इन्हीं चीजों का वितरण समाज में कैसे हो, यही जो है न्याय की प्रमुख समस्या है। तो प्राथमिक चीजों में क्या है? अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, शक्ति है, आय है, पद है, आत्मसम्मान है, वेतन है, ये सब चीजें जो है वो प्राथमिक वस्तुएं हैं। अब इनका वितरण कैसे हो? अब देखिए अधिकार, मैंने कहा कि प्राथमिक वस्तुएं, रॉल्स ने क्या कहा कि प्राथमिक वस्तुएं वे चीज होती हैं जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास अधिक से अधिक रखना चाहता है। जैसे अधिकार, हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे पास ज्यादा अधिकार हो, मेरे पास अधिक से अधिक स्वतंत्रताएं हो, अधिक से अधिक शक्ति हो, मेरे पास वेतन बहुत हो, मेरे पास पैसे बहुत हो, मुझे लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, मेरा समाज में मान सम्मान पदवी हो, तो हर व्यक्ति इसको चाहता है। इसीलिए रॉल्स ने कहा कि प्राथमिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसको कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहता है। अब इन्हीं प्राथमिक वस्तुओं को समाज में कैसे वितरित किया जाए, इनके वितरण का नियम क्या हो, सिद्धांत क्या हो, इनका वितरण किस तरह से किया जाए, ये न्याय की एक बहुत बड़ी समस्या थी। और रॉल्स के सामने भी यही समस्या थी कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं इनका न्यायपूर्ण वितरण कैसे किया जाए जिससे समाज में सबके साथ न्याय हो और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। तो फ्रेंड्स उस समय जो है रॉल्स के सामने जो है वो न्याय के दो सिद्धांत थे, एक न्याय का जो है प्रक्रियात्मक सिद्धांत था और दूसरा न्याय के तात्विक सिद्धांत था। आपको प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, तात्विक न्याय क्या होता है, जब न्याय पढ़ाया गया था आपको तो न्याय में आपको प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय को बताया गया था, लेकिन चूंकि चर्चा हो गई है तो थोड़ा संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं।
प्रक्रियात्मक न्याय जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है, जबकि तात्विक न्याय जो है वो व्यक्ति की समानता पर जोर देता है। प्रक्रियात्मक न्याय जहां उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं जो है तात्विक न्याय जो है वो समाजवाद के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थकों का मानना है फ्रेंड्स कि न्याय की जो नियम है, प्रक्रिया है, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद वितरण करने में जो समस्या चाहे जो पैदा हो उसको स्वीकार करना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक सिद्धांत, एक नियम जो है समाज के सभी लोगों के लिए समान रूप से बना दीजिए। अब बनाने के बाद इसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, वो जैसा चाहे अपना विकास कर सकता है, यही न्याय है। यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक जो है वो न्यायपूर्ण समाज वो मानते हैं जिसमें राज्य का व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो जैसा चाहे अपना विकास कर सके, राज्य को उसके जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। अपंग हो, लूला हो, लंगड़ा हो, असहाय हो, निर्धन हो, गरीब हो, ऐसे लोगों को भी राज्य की सहायता नहीं करनी चाहिए, ये प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। लेकिन तात्विक न्याय जो है वो इससे अलग रखता है। तात्विक न्याय जो है वो व्यक्ति की समानता पर जोर देता है और सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय का मतलब यह होता है कि जो भी लाभ हो उसका वितरण इस तरह से हो कि समाज में जो निर्धन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों तक उस लाभ पहुंचे, इनके भी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो जहां प्रक्रियात्मक न्याय जो है स्वतंत्रता पर जोर देता है और एक तरह से पूंजीवाद का समर्थन करने लगता है, वहीं तात्विक न्याय जो है वो कल्याणकारी राज्य की ओर इशारा करता है और निर्धन मजलूमों और सामाजिक न्याय की बात करता है। अब राल्स के सामने समस्या ये थी कि वो प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करे या तात्विक न्याय का। तो राल्स ने फ्रेंड्स दोनों न्याय के सिद्धांतों में संतुलन स्थापित करने का सराहनीय प्रयास किया। आगे आप देखेंगे कि राल्स ने जो है स्वतंत्रता और समानता दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उसका नया सिद्धांत जब आप आगे भी बता रहे हैं तो उसमें देखेंगे दोनों का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यही इसका सबसे बड़ा योगदान है कि इसने स्वतंत्रता और समानता में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, इसको मिक्स करने का प्रयास किया। हालांकि राल्स जो है अपने न्याय सिद्धांत को कहता है कि हमारा न्याय सिद्धांत शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि राल्स जो है वो अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहता है कि हमारा जो न्याय सिद्धांत है वो शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है। लेकिन वास्तव में जब उसके न्याय सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो उसने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से तात्विक न्याय को स्थापित करने का ही प्रयास किया है। वो भले कहता है, अगर ये प्रश्न पूछे कि राल्स जो है अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहता है तो राल्स अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहता है। लेकिन अगर ये पूछे कि राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से किसकी स्थापना की तो अगर दोनों में से एक चॉइस करना होगा तो तात्विक न्याय की स्थापना उसने की। अपने वो भले कहता है कि हमारा न्याय प्रक्रियात्मक न्याय है लेकिन वो वास्तव में उसके माध्यम से तात्विक न्याय की स्थापना करने का ही प्रयास करता है। राल्स जो है वो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए ऐसे नियमों और सिद्धांतों की खोज कर रहा था जिस पर सभी लोग सहमत हों, स्वतंत्रता के चाहने वाले भी उस पर संतुष्ट हो जाएं और समानता के समर्थक भी उसमें संतुष्ट हो जाएं। जिस समय राल्स ने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें उसने न्याय सिद्धांत की विवेचना की थी, अपने ये थ्योरी ऑफ जस्टिस की रचना की थी 1971 में, उस वो दौर था फ्रेंड्स जब अमेरिका में अश्वेत और श्वेतों के मध्य जो एक संघर्ष चल रहा था। अमेरिका में फ्रेंड्स अश्वेत उनको कहा जाता था जो कि बहुत पहले जो है अफ्रीका से आकर के वहाँ पर बसा दिए गए थे। तो ऐसे लोगों के वंशज जो है वो चूंकि काले होते थे, चमड़ी के आधार पर काले होते थे, तो इनको अफ्रो अमेरिकी भी कहते थे और इन्हीं को अश्वेत भी कहते थे। तो अश्वेतों के साथ वहाँ श्वेत लोग जो थे वो बहुत भेदभाव करते थे। इनके मनोरंजन का स्थान अलग होता था, इनको यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है, ये करना है ये नहीं करना है, इनको हीन भावना से देख करके इनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो उस समय जो है वहाँ पर अश्वेत लोग जो है समान अधिकारों के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। रॉल्स ने इसको देखा था, वो सोच रहा था कि एक ऐसे न्यायपूर्ण सिद्धांत, एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की रचना की जाए जहाँ पर कि सभी को अधिकार मिले, सभी को स्वतंत्रता हो और सभी के को जो है समानता प्राप्त हो। क्योंकि उसका मानना था फ्रेंड्स कि उत्तम समाज में जो है अनेक सद्गुण अपेक्षित हैं, उनमें न्याय की स्थान जो है सर्वप्रथम है। वो मानता था कि समाज में तो बहुत गुण हैं, बहुत से अच्छे गुण जो है जरूरी हैं, लेकिन न्याय जो है उनमें सबसे बहुत पहले जरूरी है। क्योंकि समाज में न्याय नहीं होगा तो समाज में अराजकता हो जाएगी, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ाई करेगा और समाज की शांति व्यवस्था जब नष्ट हो जाएगी तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। इसीलिए वो लिखता है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित हैं, उनमें से न्याय का स्थान जो है वो सर्वप्रथम है।
आगे वो लिखता है कि एक बेहतर न्यायिक समाज की प्रकृति और उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। यानी न्याय सिद्धांत क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, न्याय का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिससे जो है एक बेहतर न्यायिक समाज की स्थापना की जा सके। ऐसा समाज जिसमें सभी लोगों के साथ न्याय हो और सभी लोग स्वतंत्र रूप से, सभी लोग समान रूप से रह सकें। तो फ्रेंड्स ये राल्स की स्टेटमेंट हैं दोनों, और इसको आप स्टेटमेंट है रट भी लीजिएगा, परीक्षाओं में बहुत पूछता है, ठीक है। अब आगे राल्स के सामने फ्रेंड्स उस समय जो है दो मॉडल थे। पहला जो था एक समझौतावादी मॉडल, समझौतावादी, और दूसरा उपयोगितावादी, उपयोगितावादी। जब राल्स अपने सिद्धांत की, न्याय सिद्धांत की खोज कर रहा था तो उसके सामने सामाजिक समझौता का भी मॉडल था, जैसे जो मॉडल हाफ स्लाक रूसो ने दिया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य जो है कोई दैवी कृति नहीं है बल्कि एक मानवीय कृति है, एक कृत्रिम चीज है जिसको व्यक्तियों ने बनाया है। हाफ्सलाक रूसो जो है प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति ऐसा रहा था, उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके कारण जो है लोगों ने समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति की। तो एक समझौतावादी मॉडल जो है वो राल्स के सामने था उस समय। इसके अलावा उपयोगितावादी मॉडल भी उसके सामने था। उपयोगितावाद जो है वो राजनीति का वह सिद्धांत है फ्रेंड्स जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। यानी कि राज्य के वे कार्य जो है वो न्यायपूर्ण हैं या राज्य के वे कार्य ही सही हैं जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हैं। राज्य के वे कार्य जो अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख में सहायक नहीं है वो अन्यायपूर्ण है। तो वो हर चीज को उपयोगितावाद जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के कसौटी पर ही कसते हैं। तो राल्स ने इन दोनों सिद्धांतों में से, दोनों जो मॉडल थे उसके पास, उसमें से उसने उपयोगितावाद का तो खंडन कर दिया। उपयोगितावाद का वो विरोध करता है। वो लिखता है कि न्याय की अवधारणा जो है वो औचित्य पर आधारित है न कि उपयोगिता पर। न्याय की अवधारणा जो है वो औचित्य पर आधारित है। किसी चीज का औचित्य क्या है उसकी उपयोगिता पर आधारित नहीं है। आगे लिख रहा है कि सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया सकता है। उपयोगितावाद क्या कहता है? उपयोगितावाद ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो सभी व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा है। राल्स यही कह रहा है कि सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख। यानी कि मान लो कि समाज का अधिकतम वर्ग ये कहे कि हम जो है दास प्रथा का समर्थन कर रहे हैं, मनुष्यों को दास बना करके रखने में जो है वो हमारी खुशी है, तो क्या इसको स्वीकार कर लिया जाए? क्या उनको समाज के उस अल्पसंख्यक वर्ग को दास बनाने की अनुमति दे दी जाए? तो वो वही कहता है कि न्याय की अवधारणा जो है उपयोगिता पर आधारित नहीं है बल्कि औचित्य पर आधारित है। सुखी लोग जो हैं उनके हम सुख को और बढ़ा दें, इससे जो है जो दुखी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता है। वो इसी बात से राल्स जो है उपयोगितावाद खंडन करता है कि उपयोगितावाद जो है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है न कि सभी व्यक्तियों के सुख की बात करता है। तो इसलिए उसने जो है उपयोगितावाद का खंडन किया। ये तीनों स्टेटमेंट जो है न्याय और चित्तापूर्ण है, ये भी यही बात कह रहा है जो ऊपर कहा गया है उसी स्टेटमेंट को और साल्ट कर दिया गया है। न्याय की अवधारणा औचित्य पर आधारित है न कि उपयोगिता पर, रॉल्स ने कहा है। अब इसी को और साल्ट कर दिया है कि न्याय औचित्यतापूर्ण है। किसका स्टेटमेंट है? वो रॉल्स का है। सुखी लोगों के सुख को बढ़ाकर दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया था, किसने कहा? रॉल्स ने कहा। और इसी के द्वारा जो है वो उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन करता है। अब बचता है उसके सामने जो है वो समझौतावादी मॉडल, और इसी मॉडल का फ्रेंड्स वो अपने न्याय सिद्धांत में प्रयोग करता है। इसी तर्क प्रणाली का जो समझौतावादी विचारकों ने किया था, प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की थी, इसी तर्क प्रणाली का, इसी अनुबंध प्रणाली का जो है वो उपयोग जो है राल्स जो है अपने न्याय सिद्धांत में करता है, उसको हम आगे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स राल्स ने अपने न्याय के सर्वसम्मत सिद्धांत का निर्धारण करने के लिए इसी सामाजिक अनुबंध की तर्क प्रणाली का जो है उपयोग किया, और इसी सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते की तर्क प्रणाली का उपयोग करते हुए उसने एक अनूठी कल्पना की। उसने कल्पना की कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए,
और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी परे हटा दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों के अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों और संस्थाओं के पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यहां राल्स क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इस पर हम फिर से आएंगे, पहले इसके नीचे वाला हम देख लेते हैं। रॉल्स कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ व्यक्ति जो है वो इकट्ठा होते हैं समाज के लिए न्याय के सिद्धांतों की खोज करने के लिए। जो व्यक्ति जो है न्याय के सिद्धांत बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, रॉल्स उनको कहते हैं कि ये विवेकशील कर्ता हैं, ये विवेकशील व्यक्ति हैं जो कि न्याय के सिद्धांतों की खोज करने के लिए इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां शर्त होगी। शर्त क्या होगी कि जो लोग सिद्धांतों की खोज करने के लिए बैठे हैं उनके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनको जो है समाज में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और समाज में उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसका उनको ज्ञान नहीं होना चाहिए। यानी जिराल्स क्या कल्पना कर रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में से हमको कोई फाइल डिलीट करनी है, अब डिलीट कर दिए तो वो तो फाइल नहीं रहेगी ना वहां पर। तो उसने वही कल्पना की कि जो स्थिति होगी, कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को कहते हैं कि वो मूल स्थिति होगी। मूल स्थिति का मतलब कि जहां पर मूल स्थिति तब होगी जब जो न्याय के सिद्धांत की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, जो वहां बैठ करके न्याय के सिद्धांत की खोज कर रहे हैं कि न्यायपूर्ण समाज के लिए सिद्धांत कैसे होंगे, ऐसे व्यक्तियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा कि वो समाज में जो लोग यहां इकट्ठा हुए हैं इनको ये नहीं पता होगा कि समाज में इनकी कंडीशन क्या है। ये धनी वर्ग में आते हैं कि निर्धन वर्ग में आते हैं, ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, ये जमींदार हैं कि किसान हैं, ये शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, समाज में इनको उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है कि निम्न प्रतिष्ठा प्राप्त है, इनको इसका ज्ञान नहीं होगा। मतलब वही चीज लिखे हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से इनको पृथक कर दिया जाए, इनको इस बात का ज्ञान बिल्कुल न रहे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि समाज में प्रचलित भेदभाव का ज्ञान भी इनको ना हो कि समाज में कौन सी चीजें भेदभाव उत्पन्न करती हैं, किसके साथ भेदभाव हो रहा है, प्रोटेस्टेंटों के साथ हो रहा है, कैथोलिकों के साथ हो रहा है, शिक्षित लोग परेशान हैं कि अशिक्षित परेशान हैं, ऊंच जो है मतलब धनी व्यक्ति जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं, किस चीज से शोषण हो रहा है, कैसे शोषण हो रहा है, कौन सी स्थितियां शोषण पैदा करती हैं, कौन सी स्थितियां भेदभाव पैदा करती हैं, इसका भी इनको ज्ञान नहीं होगा। तो दो कंडीशन राल्स ने बताया, क्या कि जो लोग विवेकशील व्यक्ति न्याय की खोज करने के लिए बैठे हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए न्याय की सिद्धांत खोज करने से पहले एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को उसने कहा कि ये मूल स्थिति होगी। क्या होगी? मूल स्थिति। मूल स्थिति का मतलब एक काल्पनिक स्थिति है जिसकी रॉल्स ने कल्पना की है। ठीक है, वो मूल स्थिति क्या होगी कि मूल स्थिति ये होगी कि जो व्यक्ति न्याय के सिद्धांत की खोज कर रहे हैं उनको उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, उनको जो है समाज में प्रचलित भेदभाव का ज्ञान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लोग जब बैठ करके जब इनको ये दो चीजों का ज्ञान नहीं रहेगा यानी मूल कंडीशन पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में बैठ करके लोग जो है न्याय के जो सिद्धांत बनाएंगे वो विश्व स्तर पर जो है न्याय का वही नियम स्वीकार किया जाएगा, वही न्याय का सिद्धांत होगा, वही न्याय का आधार होगा। वही चीज यहां लिखे हैं कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति से पृथक कर दिया जाए और समाज में प्रचलित भेदभाव के ज्ञान से भी उनको परे हटा दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों के अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों सिद्धांतों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे और जिस प्रकार इस कंडीशन में करेंगे। यानी अगर मूल स्थिति की शर्त पूरी हो रही है और विवेकशील व्यक्ति यानी न्याय के सिद्धांत की खोज करने वाले लोग बैठ करके जो नियम बना देंगे वही नियम जो है विश्वव्यापी आधार पर जो है न्याय के नियम स्वीकार किए जाएंगे। अब देखिए यहां पर जो है सामाजिक समझौता के सिद्धांत ने जो है प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की थी उसी तरह की कुछ कल्पना जो है वो राल्स जो है वो मूल स्थिति करते हैं। यानी राल्स की मूल स्थिति जो है वो अनुबंधवादी यानी समझौतावादी सिद्धांत की प्राकृतिक अवस्था की तरह है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। यहां आपसे पूछ भी सकता है कि रॉल्स के मूल स्थिति में और समझौतावादी सिद्धांत की जो प्राकृतिक अवस्था है दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो हाब्सलाक रूसो ने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है इस कल्पना के माध्यम से वो एक राज्य का निर्माण करते हैं।
कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी, इससे जो असुविधा थी इससे बचने के लिए लोग जो है आपस में समझौता करते हैं और राज्य का निर्माण करते हैं। तो वो जो है प्राकृतिक अवस्था के द्वारा जो है प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करके जो है इस कल्पना के माध्यम से राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन रॉल्स ने जो है किसी राज्य का निर्माण अपने मूल स्थिति के माध्यम से नहीं किया, क्योंकि राज्य तो पहले से ही था। रॉल्स ने जो है अपनी मूल स्थिति की जो कल्पना की, इस कल्पना के माध्यम से वो न्याय के सिद्धांतों की खोज कर रहा था, किसी नए राज्य का निर्माण नहीं कर रहा था। इस प्रकार से रॉल्स जो है वो मूल स्थिति की कल्पना जो है वो सर्व समाज के लिए एक न्यायपूर्ण सिद्धांत की खोज करने के लिए करता है। रॉल्स ने जिस मूल स्थिति कल्पना की उसके अंतर्गत जो सर्व समाज के जो विवेकशील कर्ता हैं, जो न्याय की खोज करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनके सामने एक अज्ञानता का पर्दा होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता का पर्दा। उनके पास अज्ञानता का एक पर्दा होता है, यानी इधर समाज है जिससे जो है इधर व्यक्ति हैं, समाज से ही निकल के ये व्यक्ति आए हुए हैं, विवेकशील करता जो कि न्याय के सिद्धांत को खोज करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनके बीच में समाज के और इनके बीच में एक अज्ञानता का पर्दा होता है। वो अज्ञानता का पर्दा क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि उनको जो है अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि वो क्या हैं, समाज में उनकी कंडीशन क्या है, जमींदार से आते हैं कि किसान से आते हैं, प्रोटेस्टेंट हैं कि कैथोलिक है, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, दलित हैं कि उच्च जात के हैं, इन्हें ये नहीं पता है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि समाज में आखिर भेदभाव कैसे हो रहा है, कैसे भेदभाव हो रहे हैं, किस तरह की कौन सी स्थितियां भेदभाव पैदा कर रही हैं, किसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से इनको जो है ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि इनके सामने जो है क्या है, अज्ञानता का पर्दा है। इन्हें ये नहीं पता कि बाहर जब हम यहाँ से निकलेंगे तो समाज में हमारी कंडीशन क्या होगी, इनको ये नहीं पता है। अब ये न्याय के सिद्धांत की खोज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि जो ये विवेकशील करता है या न्याय के सिद्धांत की खोज करता है, इनको केवल दो चीज़ का ही ज्ञान नहीं होगा। यानी कि रॉल्स ने जो कल्पना की है मूल स्थिति की, तो मूल स्थिति में इनको दो चीज़ का ही ज्ञान नहीं होगा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा और समाज में प्रचलित भेदभाव का ज्ञान नहीं होगा। अब बाकी बहुत कुछ चीज़ ये जानते हैं, इनको ये पता है कि हम न्याय के सिद्धांत की खोज करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको ये पता रहेगा कि सामान्य अर्थशास्त्र के नियम क्या होते हैं, मनोविज्ञान क्या है, इसको जानते रहेंगे कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति अपना अधिकतम हित चाहता है, जानते हैं, ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब पैसे की अहमियत क्या होती है, लोगों को जिंदगी में आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, ये जानते हैं। तो यानी इनको अर्थशास्त्र मनोविज्ञान का जानकारी है, वे जानते हैं कि हम न्यायपूर्ण सिद्धांत बनाने के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि हमारी कंडीशन समाज में क्या है इसको तो ये जान नहीं रहे हैं, इसलिए वो कौन सा सिद्धांत बना दें जिससे उनको फायदा होगा ये इसको जानते नहीं हैं। यानी कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, जानते हैं, ये भी स्वार्थी हैं। रॉल्स कहता है कि जो व्यक्ति हैं ये भी स्वार्थी हैं, लेकिन इनका स्वार्थीपन यहाँ काम इसलिए नहीं आएगा कि इनको यही नहीं पता है कि यहाँ पर समाज में उनकी कंडीशन क्या है, किसके लिए नियम बना दे, वो हम किस वर्ग में आते हैं समाज में, इनको ये नहीं पता। तो इसलिए इनके जो है स्वार्थीपन पर अज्ञानता के पर्दे का अंकुश लगा दिया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठ सकता है कि आखिर रॉल्स ने जो है वो अज्ञानता के पर्दे की कल्पना क्यों की। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा कि रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे की कल्पना इसलिए की ताकि एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिद्धांत का निर्माण हो सके, और न्यायपूर्ण सिद्धांत के लिए जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो न्यायपूर्ण हो सके, यानी न्यायपूर्ण प्रक्रिया की स्थापना के लिए और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिद्धांत की स्थापना के लिए, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सिद्धांत की खोज के लिए रॉल्स जो है वो अज्ञानता के पर्दे की कल्पना करता है। क्योंकि यदि व्यक्ति को ये ज्ञान होगा कि वो समाज में धनी वर्ग से आया है तो वो जो नियम बनाएगा वो धनिकों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति है ना, व्यक्ति तो स्वार्थी होता है ना, ये तो मानवीय प्रवृत्ति है। अगर हम जान रहे हैं कि मैं टीचर हूं तो मुझे कह दिया जाए कि नियम बनाने के लिए, तो हम ऐसा नियम बनाएंगे जिससे शिक्षकों को फायदा हो, हम क्यों ऐसा नियम बना देंगे जिससे शिक्षकों का नुकसान हो। तो हर व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए नियम बनाएगा, तो अगर सब व्यक्ति स्वार्थी होकर के अपने फायदे के लिए नियम बनाएंगे तो ये समाज के लिए निष्पक्ष रूप से न्याय का नियम नहीं होगा। रॉल्स इस बात को जानता था, इसीलिए उसने जो है विवेकशील कर्ता और समाज के बीच जो है एक पर्दा लगा दिया, जिसको कि उसने कहा कि ये अज्ञानता का पर्दा है। अज्ञानता का पर्दा क्या है, ये समाज और विवेकशील कर्ता के बीच जो है एक काल्पनिक अलगाव है जो कि इसको
इनको जो है समाज से अलग करता है, इनको इस चीज से अलग कर देता है कि इनको अपनी कंडीशन ही नहीं पता है कि समाज में इनकी कंडीशन क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर कह दिया कि मूल स्थिति की जो कंडीशन राल से बताया, कहा इस कंडीशन को पूरा हो जाए, अगर पूरा होने के बाद यानी इनके सामने अज्ञानता का पर्दा आ गया, ये जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति के ज्ञान का नहीं है, इनको समाज में प्रचलित भेदभाव का ज्ञान नहीं है, तो कह दिया गया कि आप बताइए समाज के लिए क्या नियम बनाएंगे। अब फ्रेंड्स यहां ये मजेदार चीज है कि अब जो यहां व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, इनको यही नहीं पता है कि यहां समाज में इनकी कंडीशन क्या है, तो ऐसे में हर व्यक्ति जो है न्याय के सिद्धांत की खोज करते समय डरेगा कि कहीं ऐसा नियम न बन जाए कि जो बाद में जब पर्दा हटे तो मालूम हो कि ये तो यार हमारे ही खिलाफ हो गया है। अगर ये धनी व्यक्तियों के हित में अगर बना देते हैं मान लो कानून या नियम, तो हो सकता है पर्दा हटने के बाद ये निर्धन हो जाए, इनकी स्थिति समाज में निर्धन वाली हो, मालूम हो कि भाई जब सामाजिक स्थिति मालूम हुई, आर्थिक स्थिति मालूम हुई, पता चला भाई सबसे गरीब व्यक्ति है ये, तब क्या होगा। अगर शिक्षितों के लिए बना दिए तो सकता है शिक्षित निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहां जो व्यक्ति बैठा होगा वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा, कोई भी रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि मान लो कल्पना करो कि समाज में चार तरह के लोग रहते हैं, ए बी सी डी, मान लो ए वाला की स्थिति सबसे बढ़िया है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, इससे कम ये है, सबसे खराब स्थिति डी वाली है, और आपसे कह दिया जाए कि आपको यह नहीं पता कि आप ए में हैं कि बी में हैं कि सी में हैं कि डी में हैं, और आप बताइए कि किसके लाभ के लिए आप कानून बनाएंगे, तो आप क्या करोगे। तो सबसे कम अपने प्रत्येक व्यक्ति अगर हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को सबसे नीचे रख के देखेंगे कि यार हो सकता है कि बाद में हम इसी ग्रुप में निकले तब क्या होगा, क्योंकि इससे नीचे तो कोई ग्रुप है नहीं ना, इसके सब ऊपर हैं, अगर यहां निकले तो चलो ठीक है इनसे तो बढ़िया है, यहां निकले तो और बढ़िया है, यहां निकल गए हमारी स्थिति तो और बढ़िया है, लेकिन अगर हम यहां निकले तब क्या होगा, यानी समाज में यदि हमारी स्थिति सबसे हीनतम होगी तब क्या होगा। तब यहां पर चूंकि कोई व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें से पर्दा हटने के बाद हो सकता है सबकी कंडीशन यही हो, सब यही डी वाले में पहुंच जाए, सबसे हीनतम अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यही होगा कि सब व्यक्ति यही कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा हीन है हीनतम को अधिकतम सुविधाएं, अधिकतम सुविधाएं, सबसे बेस्ट और सबसे सुरक्षित तरीका यही होगा कि सब व्यक्ति यही मांग करेंगे कि यार जो व्यक्ति एकदम सबसे खराब कंडीशन में है उसको ज्यादा सुविधाएं दिया जाए, जिससे उसकी भी कुछ उत्थान हो और समाज में एक असमानता जो है वो कम हो। तो ये है सबसे सेफ कंडीशन। चूंकि विवेकशील कर्ता को यह जानकारी नहीं है कि समाज में उसकी कंडीशन क्या है, इसलिए कोई भी व्यक्ति रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है अपने आप को सबसे हीनतम रखकर ही विचार करेगा कि मान लो अगर हीनतम है तभी जो है इसी का नियम बना दो कि हीनतम व्यक्ति को अधिकतम सुविधाएं मिले। अगर हम समाज में सबसे कंडीशन हमारी खराब हुई तो हमको अधिकतम सुविधा तो मिल ही रही है, अगर हम उच्च में आ गए तो भाई हम उच्च में तो हैं, इनसे तो बढ़िया हैं, उच्च में हैं तो हमको सुविधाएं तो हमारे पास हैं ही, अगर यहां गए तब सुविधाएं हमारे पास नहीं रहेंगी, तो इसी को अधिकतम सुविधा की बात करेंगे, यानी जो हीनतम में रहेगा उसको अधिकतम सुविधा की बात कही। इसीलिए रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा, जस्टिस एज फेयरनेस, यानी रॉल्स ने अपने सिद्धांत को कहा कि यह जस्टिस एज फेयरनेस, यानी यह निष्पक्षता के रूप में न्याय है, यानी यह ऐसा न्याय है जो एकदम समाज में निष्पक्ष होगा, या इसी को कहते हैं न्याय की निष्पक्षता कहते हैं, इसी को निष्पक्षता के रूप में न्याय कहते हैं, और इसी को उचितता के रूप में न्याय कहते हैं, यानी तीनों नाम जो है अंग्रेजी में जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसी को निष्पक्षता के रूप में हिंदी में न्याय कहते हैं, इसी को उचितता के न्याय के नाम से हम जानते हैं, और इसी को न्याय की निष्पक्षता के न्याय के नाम से भी हम जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रॉल्स ने अपने न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस क्यों कहा, यह निष्पक्षता के रूप में न्याय क्यों कहा, क्योंकि उसका मानना है कि जो न्यायकर्ता होते हैं उनकी अज्ञानता के कारण, उनको अपनी स्थिति की अज्ञानता के कारण वो समाज के लिए निष्पक्ष रूप से न्याय का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसने कहा कि इसको अपने न्याय को क्या कहा, जस्टिस एज फेयरनेस। तो रॉल्स कहता है फ्रेंड्स कि चूंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो रिस्क लेने के स्थिति में नहीं होता है, जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है हीनतम व्यक्तियों को अधिकतम सुविधाएं देने की मांग करते हुए न्याय के दो नियमों को स्वीकार करता है।
जिसमें पहला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा है समानता का सिद्धांत। तो पहला नियम क्या कह रहा है, समान स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, जो न्याय का पहला सिद्धांत है, राल्स ने बताया, उसने बताया कि इसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसे ही स्वतंत्रता के साथ निभा सकती हो। यानी रॉल्स क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले नियम के अंतर्गत ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, विस्तृत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ऐसा अधिकार होना चाहिए जो दूसरों को मिला हुआ है वैसा अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। यानी ऐसा अधिकार होना चाहिए जो दूसरों की वैसे ही स्वतंत्रता के साथ निभा सकती हो। इसका मतलब ये कि आप ये समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसा दूसरे को स्वतंत्रता मिली है वैसा मुझे भी मिलना चाहिए, यानी सबको समान रूप से स्वतंत्रता का विस्तृत अधिकार क्षेत्र मिलना चाहिए, पहली चीज यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत हुआ। दूसरा उन्होंने न्याय का सिद्धांत बनाया समानता का सिद्धांत, और इसी समानता के सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने जो है सामाजिक और आर्थिक जो विषमताएं समाज में हैं उसको समेटने का प्रयास किया ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके, सभी लोग समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उनको ये लगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। तो पहला सिद्धांत था उसका समानता का सिद्धांत, और सॉरी पहला सिद्धांत था उसका स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा है उसका समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने दो तरह के सिद्धांत बताए, एक बताया उसने भेद मूलक सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं भेद मूलक समानता भी हम कह सकते हैं, या इसी को हम अंतर का सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो भेद मूलक सिद्धांत के अंतर्गत उसने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाए कि हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो। अब देखिए फ्रेंड्स, रॉल्स का मानना है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें कि विषमताएं ना हो। आर्थिक सामाजिक ये विषमताएं तो होंगी ही, बिना विषमताओं के कोई समाज हो ही नहीं सकता और सबको समान किया नहीं जा सकता है, और जब अगर सब समान हो जाएंगे तो समाज चलेगा भी नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए सब व्यक्ति करोड़पति हो जाएं, तो आप सबके पास करोड़ रुपए हो गया, तो अब बताइए कि खेती कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा, सफाई कौन करेगा। भाई सफाई कर्मचारी भी तो करोड़पति हो गया तो सफाई क्यों करने जाएगा। किसान कहेगा हम भी एसी में बैठेंगे, हम खेती करने क्यों जाएंगे, हम हल क्यों चलाएंगे। तो अगर सब जो है समान स्थिति हो गई तो समाज नहीं चल पाएगा। समाज को सही ढंग से संचालित होने के लिए जरूरी है कि इसमें विषमताएं हो, बस हमको ये देखना है कि विषमताएं इतनी अधिक ना हो जाएं कि एक वर्ग को जो है खाने के लिए लाले पड़ जाएं। तो विषमताओं को समायोजित किस तरह से किया जाए कि हम विषमताओं से समानता की तरफ बढ़ें, यानी असमानता से समानता की तरफ बढ़ें, इसका ध्यान रखना है। विषमताएं ऐसी हों जिससे जो हीन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनका अधिक से अधिक उससे उत्थान हो। रॉल्स की यही चिंता थी। रॉल्स ये मानता था कि समाज में हम पूर्ण रूप से समान आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित हो ही नहीं सकती है, बस ये देखना है कि असमानता जो है से हम किस तरह से समानता की तरफ बढ़ सकते हैं। असमानता इस तरह से हो जिससे समाज में हीनतम व्यक्ति वाले को अधिकतम लाभ मिले। असमानता वही स्वीकार की जाएगी जिससे निचले तबके को फायदा हो। तो वो रॉल्स कहता है कि भेद मूलक सिद्धांत ये कह रहा है कि ये कहता है कि पहले तो सब चीज़ जो है जिस प्राथमिक वस्तुएं सबको समान वितरण होना चाहिए, लेकिन वो यही तर्क लगाता है कि लेकिन वो किसी व्यक्ति को विशेष छूट तब मिलेगी जब जो है उससे जो है समाज के हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो। यानी अगर किसी को विशेष छूट मिल रही है, कोई समाज में असमानता अगर पैदा होगी तो असमानता इसी आधार पर स्वीकार की जाएगी जब उससे समाज के हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो। या और सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को असाधारण कार्य के लिए विशेष पुरस्कार तभी दिया जाएगा जब उसके कार्यों से समाज के हीन व्यक्ति को लाभ हो। जैसे अब एक तरह से एग्जांपल मैं आपको दूं, यदि किसी को समाज में उच्च ज़्यादा धन रखने की छूट दी जा रही है, भाई किसी के पास धन नहीं है लेकिन किसी को समाज में ज़्यादा धन छूट रखने की छूट दी जा रही है, तो सिर्फ इसी आधार पर दी जाएगी, ये जो असमानता होगी इसी आधार पर स्थापित होगी कि उनके धन का जो है लाभ जो है हीनतम स्थिति वाले लोगों को भी मिले। अब ये लाभ कैसे मिल सकता है, चाहे उनके ऊपर अधिक टैक्स लगा दो, उस पैसे को नीचे ला करके वितरित कर दो,
उनको सुविधाएं दे दो, चाहे उनको समाज की सेवा के लिए बाध्य करिए। मतलब कि आपको यदि विशेष लाभ मिल रहा है, विशेष सुविधा मिल रही है, विशेष चीज आपको करने की इजाजत दी जा रही है, तो उस विशेष को इसीलिए स्वीकार किया जाएगा कि आपके पैसे का, आपके पद का, आपकी योग्यता का लाभ जो है वो हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति को मिले। राल्स यही कहता है कि प्रतिभाशाली जो व्यक्ति हैं उनको अधिक आय रखने की इजाजत सिर्फ इसी आधार पर दी जाएगी कि आपके पैसे से जो है वो हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ होगा। तो यहाँ देखिए भेदमूलक सिद्धांत यही कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, जो समाज में विषमताएं होंगी, वो इस ढंग से व्यवस्थित की जाएंगी कि जो हीनतम व्यक्ति हैं, जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं, उनको अधिकतम लाभ हो। दूसरा राल्स कहता है कि अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी पद पदवी प्राप्त करने की अवसर मिलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि कह रहा है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की उचित समानता मिलना चाहिए। ये विषमताएं उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। कह रहा है कि सबको जो है अवसर की उचित समानता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर यहां भी किसी को छूट मिल रही है, किसी को विशेष मतलब लाभ मिल रहा है, तो वो इसे सिर्फ इसी आधार पर न्यायोचित होगा कि उसका लाभ जो है वो गरीब तबके को मिलना चाहिए। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि अवसर की उचित समानता का सिद्धांत ये कह रहा है कि ये विषमताएं, यानी जो विषमताएं समाज में हैं, ये उन पदों और स्थितियों के साथ भी जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हो। यानी अवसर की उचित समानता सबको है कि कोई नौकरी निकल रही है, सबको अवसर है, सबको ये अधिकार है कि आप जो है वैकेंसी अगर योग्य हैं तो भरिए और मतलब अवसर का लाभ उठाइए। लेकिन अगर इसमें कोई भेदभाव हो रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए होगा कि ताकि उससे जो है समाज के हीनतम स्थिति वाले लोगों का लाभ अगर हो रहा है तो उसमें भेदभाव किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राल्स ने हमको समान स्वतंत्रता का सिद्धांत देता है और एक समानता का सिद्धांत देता है, और वो इन सिद्धांतों के पालन करने का एक व्यवहारिक क्रम भी देता है हमको कि अगर मान लीजिए भविष्य में कभी सिद्धांतों के पालन करने में हमारे सामने दो परस्पर विरोधी विकल्प आ जाएं, यानी कि इसमें अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि टकराहट हो जाए, स्वतंत्रता में और समानता में टकराहट हो जाए, दोनों परस्पर विरोधी विकल्प हमारे सामने आ जाएं, तो हम किसका चयन करेंगे? हम स्वतंत्रता को तरजीह देंगे कि समानता को देंगे? भेदमूलक सिद्धांत को तरजीह देंगे कि अवसर की उचित समानता को तरजीह देंगे? तो उसने एक क्रम बना दिया। उसने कहा कि अगर कभी भी इस तरह से हमारे सामने कठिनाई आती है तो उसने कहा कि समानता के ऊपर हमको स्वतंत्रता को तरजीह देनी है, यानी स्वतंत्रता को नंबर एक पे रखा। ठीक है, अगर कभी समानता और स्वतंत्रता के मध्य विभेद होता है, कोई परस्पर विरोधी विकल्प हमारे सामने आते हैं, तो हमको जो है समानता के ऊपर जो है स्वतंत्रता को तरजीह देनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता को पहले जो है मानना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत का पहले पालन होना चाहिए, इसके बाद समानता का सिद्धांत का पालन होगा। तो ये क्रम हो गया, स्वतंत्रता को जो है उसने ज़्यादा महत्व दिया, उसके सेकंड नंबर पर रखा समानता को। अब समानता सिद्धांत के अंतर्गत भी दो तरह के सिद्धांत हैं, भेदमूलक सिद्धांत और अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो उसने कहा कि अगर इनमें परस्पर विरोध हो तो अवसर की उचित समानता का सिद्धांत जो है इसको जो है तरजीह दी जानी चाहिए भेदमूलक सिद्धांत के ऊपर, यानी अवसर की उचित समानता को पहले मान्यता देनी चाहिए और सेकेंड नंबर पर भेदमूलक सिद्धांत को मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि राल्स का मानना था कि अवसर की उचित समानता न्याय की पहली शर्त है, और जब यह शर्त पूरी हो जाएगी, सबको समान रूप से अवसर की उचित समानता मिल जाएगी, उसके बाद हम भेदमूलक सिद्धांत को पक्का पालन करेंगे। यानी उसके बाद ये देखेंगे कि किसी को विशेष सुविधा मिल रही है तो उसके लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि हीनतम वाले स्थिति को अधिकतम लाभ होना चाहिए, ये पूरा हो रहा है कि नहीं, तभी मिलेगा। तो इस तरह से राल्स ने एक क्रम बना दिया कि समानता के ऊपर स्वतंत्रता को हमको तरजीह देनी है और भेदमूलक सिद्धांत के ऊपर जो है हमको अवसर की उचित समानता को तरजीह देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जॉन राल्स ने आपने देखा कि अपने सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उसने प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, ये था राल्स का न्याय सिद्धांत। आइए थोड़ा सा संक्षेप में इस जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके सार संक्षेप को, यानी राल्स के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को संक्षेप में एक नज़र से हम देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये है राल्फ के न्याय सिद्धांत, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसकी कुछ खास खास बातें या उसकी विशेषताएं आप कह सकते हैं। जैसे पहला है प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय का समन्वय। तो राल्फ ने फ्रेंड्स अपने न्याय सिद्धांत में जो है वो प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, या आप सरल शब्दों में कह सकते हो स्वतंत्रता और समानता में एक तरह से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। प्रक्रियात्मक न्याय के जो समर्थक थे फ्रेंड्स, चाहे वो नवउदारवादी हों और चाहे नकारात्मक उदारवादी हों, जैसे आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम ले सकते हो, नाजिक का नाम ले सकते हो, हेयेक का नाम ले सकते हो, फ्रीडमैन का नाम ले सकते हो, ये सब लोगों ने क्या किया कि जो बाजार की व्यवस्था थी उसको सीधा सीधा जो है न्याय का रूप मान लिया। यानी कि जैसे बाजार में नियम होते हैं कि एक समान नियम बना दिया जाता है और बनाने के बाद सारे व्यापारियों को कर दिया जाता है भाई आप व्यापार करिए, आपको स्वतंत्रता है, तो जो जितना लाभ कमा सकता है कमाए। उसी तरह से ये प्रक्रियात्मक न्याय वाले स्वतंत्रता में कहते हैं कि व्यक्ति के समान समाज कैसे चलेगा इसके लिए एक समान नियम बना दीजिए आप, इसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसके ऊपर फिर कोई नियंत्रण आपको नहीं रखना है, उसके किसी कार्य में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन राल्स ने जो है सीधे सीधे बाजार व्यवस्था को न्याय का प्रतिरूप नहीं मान लिया, उसने जो है प्रक्रियात्मक न्याय के साथ तात्विक न्याय को मिलाने का प्रयास किया। यानी कि वो स्वतंत्रता तो दे रहा है लेकिन ये कह रहा है कि इसमें भी समाज में जो विषमताएं होंगी वो ऐसी होंगी जो हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुँचाए। तो हीनतम व्यक्ति के अधिकतम लाभ की बात तात्विक न्याय वाले करते हैं, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो यहाँ पर राल्स जो है वो प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय को मिलाने का प्रयास करता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा है कि राल्स ने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा, लेकिन वास्तव में उसका न्याय जो है वो तात्विक न्याय है। शुद्ध प्रक्रियात्मक वो अपने आप कहता है लेकिन उसके माध्यम से वो तात्विक न्याय की स्थापना का प्रयास करता है। तात्विक न्याय मतलब सामाजिक न्याय, यानी समाज की हीन व्यक्तियों की यदि बात करता है, सामाजिक सेवाओं की का बंटवारा इस तरह से हो कि समाज के हीनतम व्यक्ति को भी लाभ मिले, उसी बात को राल्स भी कहता है। तो इस तरह से राल्स जो है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय अपने सिद्धांत को कहता है लेकिन वास्तव में वह तात्विक न्याय की स्थापना करने का ही प्रयास करता है। तीसरा है सामाजिक संविदा की तर्क प्रणाली का उपयोग। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में फ्रेंड्स सामाजिक समझौते के तर्क प्रणाली का उपयोग किया, सामाजिक अनुबंध के तर्क प्रणाली का उपयोग किया। जिस तरह से समझौतावादी विचारकों ने कल्पना करते हुए प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की थी, उसी तरह से रॉल्स ने भी कल्पना के द्वारा, उसी तर्क के द्वारा मूल स्थिति की कल्पना की है। तो सामाजिक संविदा की तर्क प्रणाली का उपयोग जो है राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में किया था। उसने जो है उपयोगितावाद का खंडन किया था, क्योंकि उपयोगितावाद जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है, ये सभी व्यक्तियों के सुख की बात नहीं करता है। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति की कल्पना की, मूल स्थिति जिसमें व्यक्ति को उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, ऐसी कंडीशन को हम मूल स्थिति कहेंगे। मूल स्थिति वह होगी जिसमें व्यक्ति को समाज में प्रचलित भेदभाव का भी ज्ञान नहीं होगा, यानी भेदभाव का ज्ञान नहीं होगा और उसको अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन को मूल स्थिति कहेंगे। तो राल्स ने मूल स्थिति की कल्पना की, उसने एक अज्ञानता का पर्दे की कल्पना की कि समाज में जो लोग नियम निर्धारण करने के लिए बैठेंगे, जो कानून बनाने के लिए, न्यायपूर्ण कानून बनाने के लिए बैठेंगे, उनके सामने एक अज्ञानता का पर्दा होगा, वो अज्ञानता का पर्दा वही मूल स्थिति होगी कि उनको दो चीजों का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तीसरा अगला है कि विशेष प्रतिभाशाली विशेष पुरस्कार के हकदार तभी होंगे जब वे हीनतम के कल्याण हेतु तत्पर होंगे। राल्स ने अपने जो सिद्धांत बताया समानता का सिद्धांत, उसमें भेदमूलक सिद्धांत बताया, तो भेदमूलक सिद्धांत में उसने यही कहा कि अगर किसी को विशेष सुविधाएं मिलेगी तो उसका सिर्फ इसी आधार पर मिलेगी कि उस वह जो है अपने योग्यता का, अपने धन का प्रयोग जो है वो हीनतम के कल्याण हेतु तत्पर रहेगा। यानी उसको तभी इसी शर्त पे मिलेगी कि उसका लाभ जो है गरीब व्यक्ति को अधिकतम मिले। ठीक है, अगला है कि न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन जो राल्स ने किया वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1971 में प्रकाशित हुई थी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस ने किया। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि राल्स जो है ये मूलतः जो है एक उदारवादी विचारक था, और जिस तरह से अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया, वितरणात्मक न्याय का सबसे पहले समर्थन जो मतलब प्रतिपादन जो है वो अरस्तु ने किया था, तो प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में या आधुनिक काल में वितरणात्मक न्याय को किसने प्रतिपादित किया, तो वो राल्स थे। तो फ्रेंड्स यह था रॉल्स का न्याय सिद्धांत और उसको न्याय सिद्धांत की प्रमुख बातें। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है।
तो फ्रेंड्स राल्स की आलोचना जो है वो अनेक आधारों पर की जाती है, इसमें से कुछ आपको सही लगेगा और कुछ हो सकता है आपको सही ना लगे, लेकिन जो आलोचनाएं की जाती हैं, आलोचना करने वाले जो है अनेक तर्कों के आधार पर राल्स के सिद्धांत की आलोचनाएं करते हैं। जैसे पहला आलोचना की जाती है कि पूंजीवादी व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयास किया गया है। समष्टिवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से परंपरागत जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसी को ही फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। परंपरागत जो पूंजीवादी के समर्थक थे वो ये मानते थे धनवान लोगों को धन संचित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर निर्धन लोगों को ही लाभ होता है, यानी कि धनी वर्ग को संपत्ति है जो संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उससे जो है निर्धन वर्गों का कल्याण होगा। यही बात राल्स भी कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को विशेष पुरस्कार तब मिलेगा जब उससे जो है समाज के हीनतम व्यक्ति को कल्याण हो, यानी कि एक तरह से वो व्यक्ति को अनियंत्रित असीमित संपत्ति रखने का समर्थन करते हैं, पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को ही एक तरह से इनडायरेक्टली कान इधर से न पकड़ करके इधर से पकड़ करके यानी पूंजीवादी व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा कहा गया कि हीनतम स्थित वाले लोगों को पहचानना कठिन। रॉल्स ने कहा कि हीनतम स्थित वाले व्यक्तियों को अधिकतम कल्याण। अब समाज यहां समस्या यह है कि वास्तव में हीनतम कंडीशन हम मानेंगे किसको? क्या धन संपदा आय को ही केवल पैमाना माना जाएगा, संपत्ति को ही केवल पैमाना माना जाएगा कि हीन व्यक्ति है कि नहीं व्यक्ति है? तो इसकी आलोचना जो करते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर केवल धन संपत्ति संपदा को हीन मानने का पैमाना मान लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति जो समाज में जिनकी बुद्धि के रूप में कमजोर हैं, जो भावनात्मक रूप से असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, या जो समाज के विकलांग लोग हैं, ऐसे लोगों को हीन क्यों नहीं माना जाए, इनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर आलोचना करने वाले यही कह रहे हैं कि हीनतम स्थित वाले लोगों को पहचानना कठिन है, किसको हम हीन माने? वो भी तो हीन हैं जो अशिक्षित हैं, वो भी तो हीन हैं जो मंद बुद्धि के हैं, जो सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विकलांग हैं, तो हम हीन किसको माने? ये राल्स जो है स्पष्ट नहीं किए, ये इसकी आलोचना में कहा जाता है। अगला है निराधार कल्पना। मार्क्सवादी जो है राल्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो अज्ञानता के पर्दे के पीछे जो सारी कार्यवाही की गई न्याय सिद्धांत बनाने के लिए, ये सारी की सारी निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि बिना आर्थिक और सामाजिक ज्ञान के, अगर हमें अपनी आर्थिक और सामाजिक की ज्ञान ही नहीं है तो इसके आधार पर यदि कोई कानून या कोई न्याय के सिद्धांत बनाया जाए तो वो निश्चित रूप से निराधार होगा और यह निश्चित रूप से युक्त संगत भी नहीं होगा, क्योंकि इनका मानना है कि बिना उत्पादन की प्रणाली को समझे, बिना वर्गीय ढांचा को समझे, हम जो है अगर कोई सिद्धांत बनाते हैं तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि मार्क्सवादी जो है वो वर्ग और उत्पादन की प्रणाली में विशेष संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर जो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जो है न्याय के सिद्धांत की खोज करने वाले निर्णयकर्ता बैठे हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो इसी आधार पर मार्क्सवादी आलोचना करते हैं कि जब उनको आर्थिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे आधार पर यदि कोई न्याय के सिद्धांत बनाया जाएगा तो वो युक्त संगत नहीं होगा, वो निराधार होगा। तो इस आधार पर जो है मार्क्सवादी जो है वो राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अगला है कि समानता के ऊपर स्वतंत्रता का बलिदान। राल्स की आलोचना करते हुए स्वेच्छातंत्रवादी जो है, स्वेच्छातंत्रवादी वे होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के असीम समर्थक होते हैं, तो वो जो है कहते हैं कि समानता के ऊपर जो है राल्स ने स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। उनका कहना है कि हीनतम स्थित वालों के लिए जो समर्थ व्यक्ति हैं वो हीनतम स्थित वाले लोगों के लिए कार्य क्यों करें? ऐसे में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को यदि बाध्य किया जा रहा है कि वो हीनतम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करेंगे तभी उनको विशेष पुरस्कार मिलेगा, तो ये एक तरह से प्रतिभा और स्वतंत्रता दोनों का हनन है। इसलिए वो आलोचना करते हुए कहते हैं कि रॉल्स ने समानता के ऊपर जो है स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। ठीक है, फिर अगला है कि बिना जोखिम उठाए विकास संभव नहीं है। कुछ आलोचक ये मानते हैं कि रॉल्स के जो निर्णयकर्ता हैं वो कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है।
उनका मानना है कि जीवन में समाज में यदि प्रगति हमको करना है तो हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हम पढ़ाई करते हैं वहाँ भी हम रिस्क लेते हैं कि ये निश्चित नहीं है कि हमको पढ़ रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन हम रिस्क उठा रहे हैं, समय अपना वेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हमको नौकरी मिलेगी। तो हम वही बता रहे हैं ये कि बिना रिस्क उठाए तो कोई सफलता हो ही नहीं सकती है। और ऐसे निर्णयकर्ता जो कि समाज में थोड़ी सी भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोग समाज का विकास क्या कर सकते हैं, ये आलोचना करते हुए राल्स के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि बिना जोखिम उठाए विकास संभव नहीं है और निर्णयकर्ता तो थोड़ा सा भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग समाज का विकास क्या कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि मनुष्य स्वार्थी प्राणी नहीं है। समुदायवादी जो विचारक हैं फ्रेंड्स वो मानते हैं कि राल्स ने जो मनुष्य की कल्पना जो की है वो स्वार्थी के रूप में की है जो कि सही नहीं है। जैसे राल्स ने कहा कि भाई व्यक्ति स्वार्थी है, वो अपने हित में कानून बनाने के लिए तत्पर रहेगा, अपने लिए हित में न्याय सिद्धांत का निर्माण करेगा, इसीलिए तो उन्होंने उनके सामने अज्ञानता का पर्दा लगा दिया ताकि उसको मालूम ही ना हो कि वास्तव में समाज के किस स्थिति से आता है, ताकि ऐसा न्याय सिद्धांत बना ही ना पाए जो उसको फायदा पहुंचाए। तो लेकिन वो स्वार्थी तो मानता है कि मनुष्य एक स्वार्थी है, तो समुदायवादी कहते हैं कि यह मानना कि व्यक्ति एक स्वार्थी प्राणी है यह गलत है। तो इस आधार पर जो है फ्रेंड्स राल्स की जो है कई आधारों पर जो है विभिन्न विचारक जो है अपने अपने तरीके से राल्स की आलोचना करते हैं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि चाहे आलोचनाएं जितनी भी करें, आलोचनाएं तो सबकी हो सकती हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से जो समानता और स्वतंत्रता में जो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया वो उसका सबसे बड़ा योगदान है। उसने प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से एक सामाजिक न्याय को जो प्राप्त करने का प्रयास किया वो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने जो है एक न्यायपूर्ण प्रक्रिया को स्थापित करने का प्रयास किया और इसके माध्यम से न्याय के एक निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों की खोज करने का जो प्रयास किया वो जो है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आलोचक भले ही उसकी आलोचना करते हों, खूब आलोचना करते हों, लेकिन कोई भी आलोचक जो है यह नहीं बता सका कि वास्तव में ठीक है, अगर यह गलत है तो वास्तव में समाज के हित के लिए, सर्व समाज के लिए वास्तव में सही न्यायपूर्ण सिद्धांत क्या होना चाहिए, यह कोई नहीं बता सका। आलोचना करना तो सरल है लेकिन उसका विकल्प प्रस्तुत करना कठिन है, तो कोई आलोचक इसको प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए राल्स का जो प्रयास था वो व्यर्थ का प्रयास नहीं कहा जा सकता, उसका प्रयास वास्तव में एक सराहनीय प्रयास था। तो फ्रेंड्स यह था राल्स का न्याय सिद्धांत, उसकी आलोचना और उसका महत्व। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है आपको है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा कि मैं आपकी समस्याओं का निदान कर सकूं। और फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।